हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि अपने बिल्कुल डाउन पे है और फंडामेंटल साउंड कंपनी है और अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है, पोर्टफोलियो स्टॉक है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, अच्छे रिटर्न्स दिए भी हैं और अच्छे रिटर्न्स और भी दे सकता है। बात कर रहे हैं हम मुथूट फाइनेंस की। तो बिल्कुल अपने ऐसे लेवल के ऊपर है जहाँ पर डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम बनता है, रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा बनता है। पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी 13,743 यानी 1.61% की गिरावट के साथ काम कर रहा है, काफ़ी प्रेशर में है। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो 1% के आसपास डाउन है, 1120 रुपए के आसपास ये काम कर रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 1131 रुपए के आसपास था, आज ओपन होता है 1120 के आसपास, हाई बनाता है 1136 का, लो है 1111 रुपए का और काम कर रहा है 1120-21 के आसपास। तो आप देख सकते हैं 5 दिन में जैसे जैसे निफ्टी में गिरावट हुई है तो इसके अंदर भी गिरावट होती हुई नजर आई है। 1220 के लेवल से ये नीचे आया है। 1 मंथ का भी आप देखें तो ये 1218 के आसपास काम कर रहा था, वहां से ये स्टॉक जरूर 1292-93 तक गया था, उसके बाद नीचे आया है। 52 वीक हाई को देखेंगे तो 1405 रुपए का है और 52 वीक लो देखेंगे तो 476 रुपए का है। इसके बाद हम फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को ही हमें पोर्टफोलियो में जगह देनी है। तो फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, पहले कैसे फंडामेंटल्स हैं, उसके बाद क्या इसके टारगेट्स निकल के आते हैं, क्या इसके ऊपर न्यूज है और कितना डाउनसाइड रिस्क है, उसको हम चार्ट के ऊपर जरूर देखेंगे किस टाइप से चार्ट के ऊपर नजर आता है और कहाँ हमें लेना चाहिए ताकि रिस्क कम हो और रिवार्ड्स ज़्यादा हों हमारे। तो बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 45,411 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROCE की देखेंगे तो ROCE जो है 16% की है। ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 29.1% की है। बुक वैल्यू 336 की है और ये प्रीमियम पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, 3.36% जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आ रही है। इंडस्ट्री पी देखिए 17.3 की है, इसकी पी देखिए ये अपनी पी से इंडस्ट्री की पी से भी नीचे काम कर रहा है, यानी 13 के आसपास काम कर रहा है। ईपीएस देखिए 86.3 की निकल कर आ रही है। डिविडेंड यील्ड 1.33% की है, इंप्रेसिव है। फेस वैल्यू 10 के ऊपर, हाई जैसे मैंने बताया 1406 का है और जो लो है 477 के आसपास का है। प्लज कुछ भी नहीं है, शेयर कुछ भी प्लज इन्होंने नहीं कर रखे हैं। तो आपको ये अच्छा दिखाई देगा पूरा फंडामेंटल। 45,000 करोड़ की मिड कैप कंपनी है, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है, हर इंसान इसको जानता होगा और इंडस्ट्री पी से कम पे ये काम कर रहे हैं, रेशोज पॉजिटिव हैं और अच्छा ये फेस वैल्यू जो डिविडेंड पे करते हैं। इसके बाद आप देखिए 200 DMA से ऊपर ये स्टॉक जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है आपको, एक बुलिश मोड में है और कभी भी इसने इस रेंज को जो है काफ़ी टाइम से इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ कोविड टाइम पे एक एक्सेप्शनल केस जरूर था बट उसको भी बी शेप रिकवरी के साथ अच्छा बाउंस बैक इसने किया था और रिटर्न्स अच्छे दिए उसके बाद। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो कुछ क्वार्टर्स को कंपेयर करें, 1783 की जो सेल हुआ करती थी अब देखिए 2821 करोड़ की सेल है लास्ट क्वार्टर में। ओपीएम देखिए 77% जो थे अब 81% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1371 करोड़ का जो था 2285 करोड़ के आसपास का है और किसी भी क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेगेटिव में नहीं दिखाई देगा आपको। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट जो है 513 करोड़ का जो हुआ करता है अब 926 करोड़ का है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में ही काफ़ी अच्छा इन्होंने राइज दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट एवर जो है नेट प्रॉफिट इनका निकल कर आ रहा है, पहले ये 900 तक गए थे बट अब 926 तक गए हैं और 2285 भी आप देखेंगे कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने हाईएस्ट एवर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दिए हैं। तो जब हाईएस्ट एवर रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो स्टॉक कभी भी अपने जो 52 वीक हाई है, लाइफ टाइम हाई है, उससे नीचे काम नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसे क्रॉस करता हुआ बिल्कुल आपको नजर आएगा। अगर पिछले कुछ ईयर्स की बात करें तो सेल्स जो थी 4336 करोड़ की थी जो कि मार्च 2015 की मैं बात कर रहा हूं, अब आप देखिए 9684 करोड़ की है। ओपीएम 74% के जो हुआ करते थे 77% के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 3226 करोड़ के जो होते थे अब 7477 करोड़ के हैं मार्च 20 की जो इन्होंने क्लोजिंग की है। यहां पर देखिए हाईएस्ट एवर जो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट 671 करोड़ के थे तो आप देखिए 3138 करोड़ के यहां पर निकल कर आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि यहां से 4-5 टाइम्स जो है इन्होंने ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट के अंदर भी। तो एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कैसी है, 5 साल में 17% के आसपास सेल
सेल्स ग्रोथ हुई है कंपाउंडेड 3 साल में 18% और TTM भी 26% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल में 36% के आसपास की है, 3 साल में 38% और TTM भी 37% के आसपास निकल कर आती है। स्टॉक का CAGR देखिए 5 साल में अगर किसी ने रखा है तो 43% के CAGR से रिटर्न दे रहा है, 3 ईयर्स में भी 39% और 1 ईयर में 49% के आसपास के CAGR रिटर्न दे रहा है। तो 39% जो है आप लो पकड़ के चल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 30% से तो ऊपर रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा ईयर ऑन ईयर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो आप काफी इंप्रेसिव है, 5 ईयर में 24%, 3 ईयर की 26%, लास्ट ईयर भी 29% रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर अब शेयर कैपिटल की बात करें तो 398 जो हुआ करती थी अब 401 है, काफी रेंज के अंदर है, काफी अच्छी है। एसेट देखिए 26,996 करोड़ के जो थे अब 61,965 करोड़ के हैं और रिजर्व देखिए 4686 का था वो 13,098 करोड़ का है। बैलेंस शीट बहुत ही इंप्रेसिव है, रिटर्न्स बहुत ही इंप्रेसिव है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं OPM आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव इसके नजर आते हैं। और डेटर डेज देखिए बिल्कुल जीरो, यानी एडवांस में जो पेमेंट लेते हैं या पेमेंट लेकर ही माल देते हैं तो काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके बाद 1-2 महीने बाद पैसा आ रहा है, बिल्कुल नहीं, डेटर डेज बिल्कुल जीरो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए 73.40 के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है, बिल्कुल सेबी की जो परमिशन लिमिट 75 के आसपास है उसके आसपास ये बने हुए हैं। FII की होल्डिंग देखिए इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएगी 15.11% 13.92 से, DII की होल्डिंग 6.99% की है, गवर्नमेंट जीरो है और पब्लिक पास देखिए बिल्कुल 4.50% की होल्डिंग है। यहाँ पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम होती है वो शेयर बिल्कुल राइज करता हुआ नजर आता है कि पब्लिक ऐसे शेयर्स को रखती ही नहीं है जो शेयर फंडामेंटली साउंड होते हैं, जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कम होगी वो शेयर आपको चलता हुआ ही नजर आएगा। इसके बाद आप देखिए जो अभी बताया जा रहा है 22 जनवरी की ये न्यूज है, डिमांड फॉर गोल्ड लोन सर्जिंग, मुथूट फाइनेंस का कहना है आने वाले टाइम में ये और अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, डिमांड फॉर गोल्ड लोन सर्ज कर रही है तो इनका मेन बिजनेस ही उसका है और ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सर्ज कर सकता है। वी हैव ए कस्टमर बेस ऑफ 2-3 करोड़ एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव मोर देन 60 लाख एक्टिव लोन अकाउंट्स, 60 लाख एक्टिव लोन अकाउंट्स हैं और 2-3 करोड़ जो है कस्टमर्स हैं इनके। द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग ए लोन ऑन एनी डे इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल क्लोजिंग एन लोन अकाउंट, the number of active customer has been increasing for the last 3-4 months, our quick loans are helping many to restart their business। तो एक इजी लोन होता है, लोन इजी लोन होता है और काफी अच्छा ग्रोथ है इसके अंदर। इसके बाद आप देख सकते हैं एक रिसेंट की जो न्यूज थी, आर्म गैंग रोब्स 25 kg ऑफ गोल्ड फ्रॉम मुथूट फाइनेंस इन हसूर, 22 जनवरी की ये न्यूज है। तो इस टाइप से एक रोबरी जो ट्राई थी वो की गई थी और वर्थ जो बताया जा रहा 7 करोड़ के आसपास का गन पॉइंट के ऊपर इसको लूटा गया था जो मुथूट फाइनेंस का है। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर बताया जा रहा है मुथूट फाइनेंस केस एक्सक्यूट रिमांडेड 25 kg ऑफ गोल्ड सीज्ड फ्रॉम देम वाज हैंडेड ओवर टू द कोर्ट। तो आप देख सकते हैं ये लोग पकड़े गए हैं, ये आज की न्यूज है 28 जनवरी की। तो इस टाइप से इनका पूरा सिस्टम जो है काम करता है और एक अच्छा सिस्टम है, यहाँ पकड़े भी गए हैं लोग। अब देख सकते हैं टारगेट प्राइस की हम बात करते हैं इसके अंदर, बाय मुथूट फाइनेंस टारगेट प्राइस 1290, कोटक सिक्योरिटीज का कहना है 15 जनवरी को कि 1290 का ये टारगेट प्राइस लेकर चल रहे हैं कि ये इसको टच कर सकता है। इसके बाद आप देखिए एडलवाइज का कहना है मुथूट फाइनेंस टारगेट प्राइस 1370 ये भी 6 जनवरी का है और 1370 को ये टच कर सकता है। अभी शेयर जो मैंने बताया आपको 1120 के आसपास काम कर रहा है और ये अच्छे टारगेट्स हैं, 1370 के टारगेट जो दिए गए हैं। इसके बाद देखिए मुथूट फाइनेंस ये रिसेंट के टारगेट्स हैं 1400 से 1550 के बीच में मुथूट फाइनेंस जो है जा सकता है और ये अच्छे टारगेट्स होंगे कि स्टॉप लॉस जो बताया गया था उस टाइम पे, ये होल्ड पीरियड जो है 6-8 वीक्स का है और 1400 से 1550 के आसपास ये मूव कर सकता है। इसके बाद आप देखिए जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं 27 जनवरी को ये अनाउंस किया गया है, कल अनाउंस किया गया था, इसके जो रिजल्ट्स हैं 9 फरवरी को आते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग्स जो बुलाई गई है शेड्यूल्ड ऑन 9th ऑफ फेब,
तो 9 फरवरी को इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो अच्छे रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं जो इसके आएंगे और एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। अब हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं। वन डे की कैंडल मैंने लगा रखी है, जो रोजा का चार्ट है वन डे की जो कैंडल है आपको वन डे का पूरा जो है लेखा जोखा उसका बता देती है कि कितने पे जो शेयर है ओपन हुआ क्लोज हुआ, हाई कितना लगाया लो कितना लगाया। तो ये कैंडल जो है सब कुछ बताती है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आप देख सकते हैं क्यों होती है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक जो है किस रेंज के ऊपर काम कर रहा है और कहां पर इसका एक बिल्कुल लेने का बनता है। यहां पर ये स्टॉक बिल्कुल आ गया है तो आप देख सकते हैं 1110 का जो लेवल है पिछले काफी टाइम से ये इसके ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर इसने क्रॉस किया था 29 सितंबर को, उसके बाद से 4 महीने ऑलमोस्ट इसने इसके रेंज के ऊपर काम किया है और अगेन आपको इस लेवल के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर स्टॉक इस लेवल के ऊपर आया था 1116 रुपए के आसपास और यहां से फिर बाउंस बैक किया, एक अच्छा हाई बनाया। अगेन स्टॉक जो है इस रेंज पर आया, इसको टच किया 1108 रुपए 65 पैसे को और क्लोज इससे ऊपर दिया 26 नवंबर को। अगेन स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आया, अगेन स्टॉक जो है इस रेंज के अंदर आया और ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि डाउन साइड यहां से लिमिटेड है। अगर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं 1060 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा अगर इसको ब्रेक करता है, जिस हिसाब से निफ्टी क्रैक कर रहा है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर भी इसने सपोर्ट लिया था, फिर अगेन यहां सपोर्ट लिया है, यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। तो 1060 का एक अच्छा सपोर्ट जोन इसका बनता है और जो टारगेट्स हैं एक रेजिस्टेंस जरूर ये यहाँ पर फेस कर रहा है, इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये 1300 को जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आपको 1550 के लेवल ये इजिली दिखाता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर जो है डाउन साइड लिमिटेड बनती है, वैसे तो यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। तो एक 1120 चल रहा है, 1110 का एक जो है सपोर्ट है इसका और सेकेंड सपोर्ट 1060 का है। कोई भी डिप के अंदर ये आपको मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए और पोर्टफोलियो में इसे जगह देनी चाहिए। आने वाले टाइम में बहुत ही फंडामेंटल साउंड कंपनी है और ये काफी अच्छा ग्रो करेगा और आपके पैसे को डबल भी कर सकता है यहां से, तो आपको बिल्कुल इसे लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके अंदर बहुत अच्छा बन रहा है और स्ट्रॉन्ग जो पोर्टफोलियो कैंडिडेट है इसे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।